पिछले एपिसोड में हमने देखा सास्के की शेरिंगन एक्टिवेट हो जाती है और वो अब हाकू की मूवमेंट्स काफी अच्छे से देख पाता है। पर हाकू नरूटो का सहारा लेके सास्के को मार देता है, लेकिन सास्के को अपनी आंखों के सामने मरता देख नरूटो के इमोशंस उस पे हावी होने लगते हैं, जिससे सील टूट जाती है और नाइन टेल्स का चक्र बाहर निकलने लगता है। आगे वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है और आपको लगता है कि मैं आपके लिए कुछ वैल्यूएबल कर रहा हूं, तो आप मुझे पेटीएम के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं ताकि मैं अपना कंटेंट इम्प्रूव कर सकूं और आपको ऐसे ही एंटरटेन करता रहूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, नाउ एंजॉय दिस वीडियो। तो पहले सीन में हमें दिखाया जाता है नरूटो को देखकर हाकू अपने मन में कहता है ये बिल्कुल भी पहले की तरह नहीं लग रहा, जिसके बाद नरूटो तेजी से हाकू की ओर बढ़ने लगता है, जो देखकर हाकू नरूटो पे कुछ सैनबॉर्न फेंक देता है, लेकिन नरूटो के चक्र के सामने वो सैनबॉर्न बेकार हो जाते हैं, जिसके बाद हाकू सभी मिरर से सैनबॉर्न फेंकने लगता है और वो सभी सैनबॉर्न नरूटो को लग जाते हैं। पर तभी उसके अंदर से एक चक्र की वेव निकलती है, जिससे वो सभी सैनबॉर्न उसके शरीर से बाहर निकल जाते हैं, जिसके बाद नरूटो हाकू की ओर बढ़ता है, पर हाकू वक्त रहते वहाँ से हट जाता है और नरूटो के पीछे वार करने लगता है। पर नरूटो एंड मौके पर वहाँ से हटकर हाकू की ओर काफी गुस्से से देखने लगता है, जिसके बाद हाकू दोबारा अपने मिरर की ओर बढ़ता है, पर अचानक से नरूटो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके अंदर से बहुत सादा चक्र निकलने लगता है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमे काकाशी अपने मन में कहता है क्या सील टूट गई है? नहीं, नाइन टेल फॉक्स का चक्र बाहर जरूर निकल रहा है, पर सील अभी भी पूरी तरह से नहीं टूटी, जिसके बाद काकाशी एक स्क्रोल निकालकर उसपे अपने खून से एक लकीर खींच देता है और कहता है क्या तुम मुझे सुन रहे हो जाबुजा, हम दोनों को ही अब ये खेल खत्म कर देना चाहिए। तो जाबुजा कहता है आखिर तुम इस सिचुएशन में कर भी क्या लोगे काकाशी, चलो दिखाओ मुझे। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें नरूटो के चक्र के प्रेशर से सभी मिरर्स में क्रैक आने लगते हैं और हाकू अपने मन में कहता है ये चक्र तो बहुत ही ज्यादा है, मैं अब इसे और नहीं सह सकता, जिसके बाद नरूटो एक जोरदार घूसा हाकू के मुंह पे दे मारता है, जिससे हाकू अपने ही एक मिरर को तोड़ते हुए काफी दूर गिर जाता है और उसके मास्क में क्रैक आ जाता है, जिसके बाद उसके सभी मिरर्स चूर चूर हो जाते हैं। फिर हाकू खड़ा होता है और नरूटो उसकी ओर काफी तेजी से आने लगता है, जो देखकर हाकू अपने मन में कहता है जाबुजा मैं इस लड़के का मुकाबला नहीं कर सकता, जिसके बाद हाकू का मास्क नीचे गिर जाता है, जो देखकर नरूटो रुक जाता है और कहता है यानी वो जंगल वाले लड़के तुम ही थे? तो हाकू कहता है तुमने मुझे मारा क्यों नहीं, क्या तुम मुझसे बदला नहीं लेना चाहते, मैंने तुम्हारे दोस्त को मार दिया, जिसके बाद नरूटो सास्के की ओर देखने लगता है और थोड़ा हिचकिचाते हुए हाकू को एक घूसा मार ही देता है, जिससे हाकू नीचे गिर जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। फिर वो उठते हुए नरूटो से कहता है उस ताकत का क्या हुआ जो थोड़ी देर पहले तुम्हारे अंदर थी, क्योंकि बस ऐसे ही तो तुम मुझे नहीं हरा सकते, या फिर शायद वो तुम्हारे लिए कोई खास शख्स है ही नहीं, अपने दुश्मन को जिंदा छोड़ देना जबकि तुम उसे मार सकते हो इसे दया नहीं कहते, ये तुम्हारी जिंदगी के मकसद के साथ धोखा है, फिर तुम किस लिए जीते हो, तुम्हारी जिंदगी का कोई मतलब नहीं बिना किसी सपने के, दिन ब दिन बस तुम्हारा दर्द बढ़ता रहता है, जो सुनकर नरूटो कहता है आखिर तुम कह क्या रहे हो? तो हाकू कहता है मैं खुद की बात कर रहा हूँ, आज मुझे पता चल चुका है कि मैं अब जाबुजा के किसी काम का नहीं। तो नरूटो कहता है तुम्हें जाबुजा जैसे इंसान के लिए काम करने की क्या जरूरत है, वो गाटो जैसे लोगों से पैसे लेकर बुरे काम करता है, क्या उसके अलावा कोई और शख्स तुम्हारे लिए खास नहीं है? तो हाकू कहता है एक वक्त था जब मेरे पास और भी खास लोग थे, मेरे पेरेंट्स, मैं लैंड ऑफ वाटर के एक बहुत ही छोटे विलेज में पैदा हुआ था, मेरे पेरेंट्स बहुत गरीब थे पर फिर भी वो बहुत खुश रहते थे, लेकिन एक दिन सब बदल गया। जो सुनकर नरूटो कहता है आखिर क्या हुआ था? तो हाकू कहता है मेरे पापा ने मेरी मॉम को मार दिया और फिर उन्होंने मुझे भी मारने की कोशिश की। जो सुनकर नरूटो के होश उड़ जाते हैं और हाकू आगे कहता है सिविल वॉर खत्म होने के बाद हमारे देश के लोग उन लोगों से डरने और नफरत करने लगे जिनके पास केकाई गेनकाई की ताकत थी, जो कि कुछ खास क्लैंस के पास ही होती है और जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ती रहती है। उनकी यूनिक एबिलिटी के चलते उन्होंने ज्यादा लड़ाइयां लड़ी, पर जब जंग खत्म हुई तो लोग उनसे डरने लगे ये सोचकर कि वो बाद में तबाही मचाएंगे, इसीलिए उन्होंने अपनी खास ताकत छुपाने का फैसला लिया। अगर किसी को उनकी ताकत का पता चल जाता तो उन्हें सिर्फ मौत ही मिलती। मुझे यकीन है उस लड़के ने भी बहुत कुछ सहा होगा। जितनी ज्यादा तुम्हारी ताकत होगी उतने ही ज्यादा लोग तुमसे डरेंगे। मेरी मॉम के पास केकाई गेनकाई की ताकत थी, उन्होंने इस बात को राज ही रखा था, पर एक दिन मेरे डैड को पता चल गया और उन्होंने मेरी मॉम को मार दिया, पर जैसे तैसे मैं वहाँ से बच निकला, या कहूँ तो मैं उन्हें वहाँ से मार कर निकला। मेरे मॉम एंड डैड मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा
के लिए जा चुके थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने उनसे भी कोई ज्यादा खास चीज खो दी है। जो सुनकर नारुतो कहता है, अपने मॉम डैड से भी ज्यादा खास? तो हाकू कहता है, हाँ, इस पूरी दुनिया में किसी को भी मेरी जरूरत नहीं थी, मैं बेकार था। जो सुनकर नारुतो अपने मन में कहता है, बिल्कुल मेरी तरह। जिसके बाद हाकू कहता है, तुमने मुझे कहा था तुम विलेज के सबसे बेहतर निंजा बनना चाहते हो, जिससे लोग तुम्हारी इज्जत करें। अगर कल को कोई तुम्हें अपना ले, जैसे भी तुम हो, तो उससे ज्यादा खास शख्स तुम्हारी जिंदगी में और कोई नहीं होगा। मेरे लिए वो खास शख्स साबुसा है। जिस ताकत से लोग डरते थे, उसे उस ताकत की जरूरत थी, इससे मैं बहुत खुश था। और ये कहते हुए हाकू की आंखों में आंसू आने लगते हैं। जिसके बाद हाकू नारुतो के पास जाने लगता है, जिससे नारुतो थोड़ा घबरा जाता है। फिर हाकू नारुतो से कहता है, नारुतो, मैं चाहता हूँ तुम मुझे मार दो। दूसरी तरफ हम देखते हैं काकाशी उस स्क्रोल को लेकर हैंड साइंस बनाने लगता है और कहता है, निंजा आर्ट समनिंग अर्थ स्टाइल फैंग्ड परसूट जुत्सु। और ऐसा कहकर वो अपना हाथ जोर से जमीन पे मार देता है। तभी साबुसा कहीं से कहता है, चाहे तुम कुछ भी कर लो पर मुझे नहीं ढूंढ पाओगे, पर मैं जानता हूँ तुम कहाँ पर हो। शायद तुमने सही कहा था, अब इस खेल को खत्म कर ही देना चाहिए। पर तभी अचानक से जमीन में कुछ हलचल होने लगती है और उसके अंदर से कुछ कुत्ते निकलकर साबुसा को पकड़ लेते हैं। जिसके बाद काकाशी कहता है, अगर मैं अपनी आंखें इस्तेमाल नहीं कर सकता तो मुझे अपनी नाक का इस्तेमाल करना चाहिए। ये मेरा समनिंग जुत्सु है, स्पेशली ये दूसरों को ढूंढने के लिए काम में आता है। जब तुमने मुझ पर हमला किया था तब मैं खुद चाहता था कि तुम मुझ पर हमला करो, जिससे तुम्हारे हथियार में मेरा खून लग जाए और उसके महक से मैं तुम्हें ढूंढ सकूं। तुम बड़ी आसानी से मेरे जाल में फंस गए साबुसा। अब कोहरा हट रहा है और पता है मुझे क्या दिखाई दे रहा है? तुम्हारी मौत। जो सुनकर साबुसा कहता है, अपनी ये बकवास बंद करो। तो काकाशी कहता है, साबुसा, तुम हमेशा चीजें हद से ज्यादा ही कर देते हो और देखो उसका क्या अंजाम निकलता है। पहले तुमने मिज़ुकागे को मारने की कोशिश की पर नाकामयाब हो गए और अब दोबारा वही कोशिश करना चाहते हो, पर तुम्हारे पास पैसे नहीं है जिसकी वजह से तुम्हें गाटो जैसे आदमी के लिए काम करना पड़ रहा है। चलो बहुत बातें हो गई, अब तुम्हें खत्म करने का वक्त आ गया है और ये मैं शेरिंगन से नहीं करूंगा बल्कि अपने खुद के जुत्सु से करूंगा। फिर काकाशी हैंड साइंस बनाने लगता है जिससे उसके हाथ में लाइटनिंग जैसा कुछ आ जाता है और वो कहता है, लाइटनिंग ब्लेड। जो देखकर साबुसा भी हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है, भला ये क्या चीज है? उसका हाथ तो चक्र से ओवरफ्लो हो रहा है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें हाकू नारुतो से कहता है, मार दो मुझे, आखिर तुम ऐसे हिचकिचा क्यों रहे हो? पर नारुतो हाकू से थोड़ा दूर हट जाता है और कहता है, वो सिर्फ तुम्हें एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, आखिर वैसा शख्स तुम्हारे लिए खास कैसे हो सकता है? तो हाकू कहता है, क्या तुम्हें ये अजीब लगता है? तो नारुतो कहता है, हाँ थोड़ा सा। तो हाकू कहता है, उसने मेरी जिंदगी को मायने दिए पर अब मैं उसके किसी काम का नहीं, इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ नारुतो, आगे बढ़ो और मुझे मार दो। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट तो बनता है बॉस। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने चाहने वालों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।